उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके तहत ही अब स्टार प्रचारकों को ग्राउंड पर भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल बीते दिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। और इसी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के स्टार प्रचारक किस मुंह से अपने उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। राजेंद्र भंडारी खुद कांग्रेस के पृष्ठभूमि से रहे हैं और उन्होंने भाजपा पर कई आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास मंगलौर सीट पर कोई भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वो हरियाणा से पैराशूट कैंडिडेट लाए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्टार प्रचारक क्या करेंगे? क्या बीजेपी वाले के जो स्टार प्रचारक है उनको जब वो वोट मांगेंगे तो राजेंद्र भंडारी जी की जो वीडियोस चले हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सत्ता लेने के लिए कुछ भी करती है, खरीद फरोख्त करती है, 25-25 करोड़ की हमारी जो है बोली लगाएगी, 25 करोड़ में हम बिकने वाले नहीं थे, वो विधायक जो अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं वो मतलब दागी बागी और कुछ कुछ कह रहे थे और बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है कह रहे थे, आज उसी आदमी के फेवर में जब स्टार प्रचारक भाषण देंगे तो उनके पांव कांपेंगे। और दूसरा जो लेके आए हैं वो हरियाणा का आदमी है, हरियाणा में ज्वाइन करना चाह रहा था लोकदल का आदमी, उसको हरियाणा के बीजेपी संगठन ने ज्वाइन नहीं करने दिया, तो गौतम ने अपनी जवान पूरी करने के लिए उनको उत्तराखंड लाके पैरासूट से बैठाया है। तो स्टार प्रचारक करेंगे क्या ये? जब कांग्रेस और अन्य दल उनसे प्रश्न पूछेंगे तो बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा।